नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। राजस्थान सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। अभी उन पर हालिया दिनों में एक केस दर्ज हुआ जिसमें एक वार्ड पंच ने उन पर अपहरण का आरोप लगा दिया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि जो जिसने केस लगाया है उसके खिलाफ दो महिलाएं सामने आई और कहा कि हमारे जमीन और जो प्लॉट है उसका पैसा नहीं दे रहा था। इसके लिए मंत्री जी ने उसको फ़ोन किया और हमें खुद अपनी तरफ से पैसे दिए और उस व्यक्ति ने पैसे देने से मना कर दिया था। तब मंत्री जी ने उसको बात करने के लिए बुलाया था और राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था और वो खुद मेरी गाड़ी में बैठ के गया था। हमने बात करी थी वहाँ पर कि भाई उनके पैसे दे दे, ये सारा वाक्य हुआ था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब उस पर पैसे देने का जब दबाव आया तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि तब उसने इस तरीके का केस दर्ज कराया है। और अब सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बिना रजामंदी के, या आप जो न्यूज़ देख सकते हैं प्रिंट मीडिया में, उन्होंने साफ साफ मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया है कि किसी मंत्री या विधायक पर केस अगर दर्ज होता है तो वो बिना मुख्यमंत्री की निगरानी या बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं। और उन्होंने कहा कि क्या उन्हें विश्वास नहीं था, एक बार मुझे वो विश्वास में लेते, मेरे से बात करते, फिर केस दर्ज करवाने के लिए बोलते। तो कहीं ना कहीं अभी जो राजेंद्र सिंह गुढ़ा है वो पायलट समर्थक माने जाते हैं और लगातार उनके लिए बोलते हैं, तो उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि क्या पता ये उस वजह से हो। तो जो उनके समर्थक हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो पायलट का समर्थन कर रहे हैं इस वजह से शायद जो ये इतने जल्दी जो केस दर्ज करवा दिया गया हो और मंत्री का पक्ष ही नहीं सुना गया। तो खुद राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अब कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उनको निशाने पे लिया है और कहा है कि उनके बिना मंजूरी के केस दर्ज होना संभव नहीं है, क्योंकि वो खुद गृह मंत्री हैं और एक सरकार के मंत्री पर अगर कोई केस दर्ज होता है तो उनकी जानकारी में ये बात जरूर होती है। उदयपुर वाटी से विधायक है राजेंद्र सिंह गुढ़ा और फिलहाल सरकार में पंचायती राज और सैनिक कल्याण मंत्री हैं। और जिस तरीके से अब ये केस दर्ज हुआ और उसके बाद जब खुलासे हुए तो कहीं ना कहीं अब ये बहुत बड़ा जो विवाद बन गया। बाकी न्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।